मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जिले के सराय रंजन प्रखंड के रामनगर नरगोदी में नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय समस्तीपुर का शिलापट अनावरण कर एवं फीता काट कर उद्घाटन किया। सराय रंजन प्रखंड में स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय समस्तीपुर के उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के भवन का निरीक्षण किया और वहां की शिक्षण सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर आने का मौका मिला है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय में हम लोगों ने तय किया था कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। समस्तीपुर में इसी जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए भी जगह उपलब्ध हो पाई है। आज नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया जा रहा है। बगल में ही मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसका भी निर्माण कार्य जल्द पूर्ण हो जाएगा। इस नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं ताकि छात्र छात्राओं को पठन पाठन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जिनका नामांकन किया गया था उन लोगों को मुजफ्फरपुर में पढ़ाया जाता था, अब वे यहां आकर पढ़ाई शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं, इसलिए छात्रों की परेशानियों का ध्यान रखते हुए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहे हैं। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देश के पुराने कॉलेजों में से एक था। देश के 4-5 महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेजों में से यह एक रहा है। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब हम केंद्र में मंत्री थे तो प्रयास कर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को हमने NIT का दर्जा दिलाया। उन्होंने कहा कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है और कई जगहों पर मेडिकल कॉलेज भी बनवाए गए हैं। हम लोगों ने सोचा है कि अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण करा देंगे ताकि लोगों को इलाज में और सुविधा हो। भोजपुर, बक्सर और कटिहार में मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। सभी जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई की सुविधा के साथ साथ छात्रावास की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 अक्टूबर 2022 की कैबिनेट की बैठक में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर और उजियारपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च आवासीय विद्यालय की स्थापना का निर्माण कर लिया गया है। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करा दिया है। सभी मेडिकल कॉलेजों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई है। हम लड़कियों और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जीविका समूह बनाकर भी हमने महिलाओं के उत्थान के लिए भी काफी काम किए हैं। पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। वर्ष 2007 और 2008 में लड़कियों के लिए साइकिल और पोशाक योजना चलाई गई, जिससे बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जाने लगी और अब मैट्रिक की परीक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। लड़की पढ़ेगी तो समाज और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सर्वेक्षण से पता चला कि पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2 था और बिहार का भी प्रजनन दर 2 था। पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है तो देश का प्रजनन दर 1.7 था और बिहार का भी प्रजनन दर 1.8 था। लड़कियां पढ़ेंगी तो प्रजनन दर में कमी आएगी। हमने हर पंचायत में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करवाई। राज्य का प्रजनन दर पहले 4.3 था, जो अब घटकर 2.9 पर आ गया है। कुछ समय में घटकर प्रजनन दर 2 पर आ जाएगा। लड़कियां ठीक ढंग से पढ़ेंगी तो समाज में बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सभी वर्गों के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पहले हम भाजपा के साथ थे, लेकिन अब हम उनसे अलग हो गए हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और श्री मुरली मनोहर जोशी भाजपा के संस्थापक और प्रमुख नेता रहे हैं, जिनके साथ हमने केंद्र सरकार में भी काम किया। 1998 में अटल जी ने अपनी सरकार में हमें मंत्री बनाया। 3 विभागों के दायित्वों को हमने संभाला। उस समय ढंग से काम होता था, वे मुझे काफी स्नेह देते थे। अब के लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं। हम लोग सभी समाजवादी अब एक साथ आ गए हैं। सब मिलकर बिहार के साथ साथ देश का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ जो आने वाली सड़क है उसका चौड़ीकरण कराया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। हम लोगों की सेवा करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। आपने मौका दिया है तो आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। समस्तीपुर से मेरा विशेष लगाव है। पिछली बार बाद में कितनी बार आपके बीच आए थे। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी से हमारा विशेष लगाव रहा है। मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक और कर्मियों की आवश्यकता के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जितनी संख्या में शिक्षक और कर्मियों की आवश्यकता हो उसे पूरा करें, ताकि छात्रों को पठन पाठन में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। नवनिर्मित
स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन के मेंटेनेंस और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। उन्होंने कहा कि बिहार और देश का विकास कैसे हो इसके बारे में हम लोग दिन रात सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करे, इसकी बाहरी चार दीवारी को और ऊंचा कराया जाए तथा चार दीवारी के किनारों पर पौधारोपण कराए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।